सद्गुरु, ईर्ष्या या जलन को हमेशा एक बुरी भावना समझा जाता है, पर सच कहूं तो इसने मेरी इतनी मदद की है। आपको इससे क्या मिला? ये मुझे प्रेरित करती है, तो हर बार जब मैं मेरे दोस्त को कुछ नया सीखते देखती हूँ तो मेरे अंदर उससे बेहतर करने की इच्छा जागती है, और शायद इसीलिए मैं अपने ड्रीम कॉलेज में पहुँची हूँ। तो क्या आपको लगता है कि ये सच में एक खराब भावना है, या क्या यह आपको बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है? देखिए, इन दिनों सौभाग्य से ऐसा नहीं होता है। जब हम बड़े हो रहे थे, खासकर दिवाली के दिनों में, जब छोटे शहरों में दिवाली आती है तो लोगों का एक खेल ये होता था कि वो पटाखों से भरा एक कैन बना लेते थे और उसे गधे की पूंछ से बांध देते थे। जब पटाखे डम डम डम, तो बेचारा गधा घोड़े से भी तेज दौड़ता था। क्या आपको लगता है कि ये जीवन को प्रेरित करने का तरीका है? चीजों को करने के बेहतर और ज्यादा बेहतर तरीके हैं। जब आपको लगता है कि आपकी पूंछ जल रही है, तब आप शायद दौड़ेंगे। लोग हमेशा इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई कुत्ता आपके पीछे पड़ जाए तो आप वाकई सबसे तेज दौड़ेंगे। पर मिस्टर बोल्ट को आप जानते हैं, वो इसलिए नहीं भागते क्योंकि उनकी पूंछ में आग लगी है। वो ऐसा इसलिए दौड़ते हैं क्योंकि उन्होंने अपने पैरों और फेफड़ों को इस तरह तैयार किया है कि वो जैसे भी दौड़ें वो सभी से तेज ही होंगे। हेलो, क्या यही दौड़ने का सही तरीका नहीं है? आप दौड़ना चाहते हैं क्योंकि एक कुत्ता आपके पीछे पड़ा है। आप दौड़ना चाहते हैं क्योंकि आपकी पूंछ में आग लगी है। क्या आप इसी तरह दौड़ना चाहते हैं? नहीं, ये दौड़ने का सुखद तरीका नहीं है। देखिए, एक बात जरूरी है कि आप तेज दौड़ें। एक और बात ये है कि दौड़ने का आपका अनुभव शानदार होना चाहिए। क्या ये जरूरी नहीं है? हेलो, ठीक है, आपको अपने सपनों का कॉलेज मिल गया, पर ये 3 साल नर्क हो सकते हैं। 3 साल का नर्क, किसको पता? क्या ये जरूरी नहीं है कि ये 3 साल आपके लिए शानदार अनुभव हों? क्या ये जरूरी नहीं है? सिर्फ दौड़ना ही एक जरूरी बात नहीं है। आपकी दौड़ का अनुभव कैसा है? कल इसका नतीजा क्या होगा? मान लीजिए हम इसलिए दौड़े क्योंकि हमारी पूंछ में आग लगी थी। अब हमारे हिसाब से लोगों को दौड़ाने का बस यही तरीका है, उनकी पूंछ में आग लगाना। हम सभी को कितना नुकसान पहुंचाएंगे। और मैंने इन गधों को दौड़ के घोड़ों से भी तेज दौड़ते देखा है, क्योंकि वो डरे हुए हैं। ये दौड़ने का तरीका नहीं है। कृपया अपने साथ ऐसा ना करें, अब और नहीं। ठीक।